नमस्कार दोस्तों, onlythefitness.com में आपका स्वागत है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल डेंगू और चिकनगुनिया के बाद स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी के कई मामले सामने आ रहे हैं, और यदि इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो 35-40% मामलों में मृत्यु की आशंका रहती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर यह स्क्रब टाइफस क्या है, यह क्यों और कैसे होता है, इस बीमारी के कुछ प्रमुख लक्षण और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि स्क्रब टाइफस क्या और क्यों होता है। दोस्तों, स्क्रब टाइफस एक तरह का तीव्र बुखार और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि जानलेवा है। यह घास में रहने वाले कीड़ों में पलने वाले पिस्सू की वजह से फैलता है। पिस्सू साइफोनाप्टेरा गण के कीट हैं। इनके पंख नहीं होते तथा मुख अंग त्वचा को छेदने एवं रक्त चूसने के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। ये पिस्सू झाड़ियों, खेतों और बगीचों के घास में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये बीमारी कई बार चूहों के काटने से भी फैलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर यह कैसे फैलता है। यह जीवाणु त्वचा के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, जिसके बाद इंसान को स्क्रब टाइफस बुखार आने लगता है। दरअसल पिस्सू के काटते ही उसके लार में मौजूद एक खतरनाक जीवाणु रिक्टिशिया सुसुकामुशी मनुष्य के रक्त में फैल जाता है। इसकी वजह से लीवर, दिमाग व फेफड़ों में कई तरह के संक्रमण होने लगते हैं और मरीज मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर के स्टेज में पहुँच जाता है। पिस्सुओं के काटने से होने वाली इस बीमारी में भी डेंगू की तरह प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। यह बुखार संक्रामक तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से शरीर के कई अंगों में संक्रमण फैलने लगता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं स्क्रब टाइफस के कुछ प्रमुख लक्षण। पिस्सू के काटने के 2 सप्ताह के अंदर ही मरीज को तेज बुखार आ जाता है, और ये बुखार 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। बुखार के साथ सिर दर्द, खांसी, मांसपेशियों में दर्द व शरीर में कमजोरी आ जाती है। पिस्सू के काटने वाली जगह पर काले फफोले हो जाते हैं जो पपड़ी जैसे दिखते हैं। समय पर इलाज न होने के कारण ये गंभीर निमोनिया का रूप ले लेता है। इस बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है और समय पर उपचार ना होने पर यह जानलेवा बन जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्रब टाइफस से बचाव और उपचार के बारे में। पहाड़ी इलाके, जंगल, खेत, जंगली पौधे और घास के आसपास ये पिस्सू ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इससे बचाव के लिए आप घास में नंगे पैर ना चलें, और साथ ही जब ऐसी किसी जगह जाना पड़े तो अपने पूरे शरीर को ढक कर जाए और घर आने के बाद गर्म पानी से नहा लें। अपने घर के आसपास पानी, झाड़ियाँ और घास फूस ना जमा होने दें, और साथ ही यदि आपके घर के गार्डन में कीड़ों का प्रकोप है तो उचित दवा के इस्तेमाल से इन्हें नियंत्रण में रखकर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, लक्षण व पिस्सू द्वारा काटने के निशान को देखकर इस रोग की पहचान होती है। फिलहाल इस रोग के उपचार के लिए बने टीके खास कारगर साबित नहीं हुए हैं। हालांकि एलोपैथी उपचार में कुछ दवाओं से रोगियों को लाभ देखा गया है, लेकिन अभी तक इस बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को सपोर्ट सिस्टम मुहैया करवाने से ज़्यादा कोई उपचार नहीं खोजा जा सका है। तो ऐसे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस बीमारी के प्रति पूरी जानकारी और सतर्कता ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, onlythefitness.com चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका इस विषय में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।